मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यह केवल एक घोषणा पत्र नहीं है, तो यह एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी राजस्थान के एक एक व्यक्ति को सुदृढ़ और मजबूत करने के, उसके भविष्य के लिए, वर्तमान ही नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता तैयार। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमें हर आंख से आंसू को पोंछना है। तो अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार जो है, ये उसी मुहिम को, उसी प्रिंसिपल को मानते हुए एक एक व्यक्ति के दुख को खत्म करने के लिए, एक एक व्यक्ति के आंख से आंसू को पोंछने के लिए सोशल सिक्योरिटी का एक नेट लेकर आई है, जिसमें शिक्षा का भी, ये हमने 95 से 98% वायदों को पूरा किया। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जैसे एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही सूझता है, तो जो लोग अपने वायदे को खुद पूरा नहीं कर पाए, जो सिर्फ कहने वाले कि 15 लाख और हमारे किसान भाइयों की, नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। जहां 5 राज्यों के चुनाव किस वक्त देखा जा रहा है कि तैयारियों के साथ साथ 3 राज्यों के चुनाव संपन्न यहां पर हो चुके हैं, जिसमें से अभी 2 राज्यों के चुनाव बचे हैं और उन 2 में से सबसे ज्यादा जरूरी और अहम राज्य है राजस्थान, जिसके ऊपर यहाँ सबकी तीखी नजरें हैं। क्योंकि राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में 5 साल यहाँ कांग्रेस और 5 साल जो भाजपा की सरकार हमेशा से बनती है, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से यहां ऐसा वादा किया जा रहा है कि इस बार 5 साल 5 साल वाला जो ये वादा है, ये जो राजनीतिक यहां पर कह सकते हैं जो चलती आ रही है, ये इस बार यहां पर टूटती नजर आ सकती है। खुद यहां पर कुछ दिन पहले सचिन पायलट ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए यहां पर जनता से ये वादा किया था कि इस बार जो ये 5 साल वाली यहां पर जो चलती आ रही है ये टूट जाएगी, यानी कि इस बार 10 साल कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ सकती है। तो इसी बीच आपको यहां पर बता दें कि आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या राजस्थान में इस बार दोबारा कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो भाजपा की तरफ से भी तमाम नेताओं ने यहां पर ये बड़ा वादा किया है कि राजस्थान में इस बार अशोक गहलोत कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे। अशोक गहलोत की कमियां यहां पर बताते नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की जमीन पर जब हमारी नेक्स्ट 9 न्यूज की टीम गई थी कुछ दिन पहले, तब यहां पर कांग्रेस की लोगों का कहना और साथ ही साथ यहां पर राजस्थान की जनता का यह कहना था कि इस बार यहां पर अशोक गहलोत ही सीएम बनेंगे और सचिन पायलट भी यहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। तो आज हमारे साथ यहां पर मौजूद है अखिल भारतीय कांग्रेस के विचार विभाग के जो निशांत मंडल जी, आज उनसे हम यहां पर सवाल करना चाहेंगे। अगर मैं उनकी बात करूं तो यहां पर वो एक प्रवक्ता के तौर पर भी हमसे बात करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस में जो इस वक्त राजस्थान की जमीन पर वादे किए जा रहे हैं, और इसी बीच में आपको ये जानकारी भी देना चाहूंगी कि कल यानी कि मंगलवार को राजस्थान के जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर घोषणा पत्र जारी किया राजस्थान को लेकर, और उस घोषणा पत्र में यहां किसानों, महिलाओं, युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर काफी अहम बातचीत की है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर निशांत मंडल जी हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी मैं निशांत जी, कि जैसे कि आपने भी देखा होगा कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ घोषणा पत्र जारी किया जयपुर से, तो कैसे देख रहे हैं आप इस घोषणा पत्र में काफी सारे वादे यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो आप एक बार हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले आपका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूँ। जब कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे साहब ने इसका विमोचन किया तो हम सभी लोग वहाँ मौजूद थे, और इसकी एक प्रति भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि फोकस करना चाहेंगे यहाँ घोषणा पत्र की तरफ, और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यह केवल एक घोषणा पत्र नहीं है, किंतु यह एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी राजस्थान के एक एक व्यक्ति को सुदृढ़ और मजबूत करने के, उसके भविष्य के लिए, वर्तमान ही नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता तैयार कर रही है। और ये केवल चुनावी वायदे नहीं हैं, पिछली बार की तरह इस बार भी जब हमारी सरकार बनेगी तो इसको हम कैबिनेट में पास करके एक सरकारी दस्तावेज बनाएंगे, तो हम जो कहते हैं हम वो पूरा करते हैं। और जहाँ जहाँ भी हमारे सरकारें रहीं, छत्तीसगढ़ में हैं और राजस्थान में हैं,
वहाँ पे हमने अपने वायदों को पूरा करके दिखाया। राजस्थान में एक बड़ा सकारात्मक यह है कि 98% तक हमने अपने मैनिफेस्टो, पिछले मैनिफेस्टो के सारे वायदों को पूरा किया। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि ये मैनिफेस्टो जो है जनता के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया वायदा कांग्रेस का है जिसको हम 100% पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर निशान जी का कहना है कि जो घोषणा पत्र यहाँ पर जारी हुआ है, जो वादे उसमें यहाँ पर किए हैं, वो यहाँ पर 100% यहाँ पर कांग्रेस सरकार पूरा करती नजर आएगी। एक सवाल यहाँ पर और मैं निशान जी से लेना चाहूंगी कि निशान जी, जैसे आपने घोषणा पत्र का यहाँ जिक्र किया है कि जो वादे उसमें मेंशन किए गए हैं उनको पूरा करेंगे, लेकिन पीएम मोदी जब यहाँ पर अपनी जनसभा करते हैं, रैली करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अशोक गहलोत अपने वादे मैनिफेस्टो में दिखाकर और छुमंतर हो जाते हैं जमीन से, जनता से वो बात तक नहीं करते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि वो जादूगर हैं, लेकिन वो ऐसे जादूगर नहीं हैं कि वायदे करके खुद छूमंतर हो जाएं। उन्होंने जमीन पे पिछले 5 वर्षों में जनता के सुख दुख में हमेशा सरकार जनता के साथ खड़ी रही है। और अगर मैं थोड़ा आपको इस मैनिफेस्टो के बारे में बताऊँ, विस्तार से बताऊँ, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये 7 वायदे हम लोगों ने किए, गृह लक्ष्मी किया, गोधन का किया जो छत्तीसगढ़ में हमारा बड़ा सक्सेसफुल रहा है, और फ्री लैपटॉप या टैबलेट जो भी है उसको देने की बात है, और बीमा की बात है, विद्यार्थियों को अंग्रेजी शिक्षा मुहैया कराने का, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं इस पर आऊँगा अभी, और राजस्थान में गैस सिलेंडर जो 500 हमने कहा उसको जब सरकार बनेगी हम घटा के 400 पे लाएंगे, और OPS का कानून, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको हम फिर से बहाल करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें इनको तो ये 7 वायदे लगते हैं, लेकिन ये सारे वायदे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें महिलाओं का भी ख्याल है, इसमें बुज़ुर्गों का ख्याल है, स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों का ख्याल है, जीवन की मूलभूत सुविधाओं को, जिनके पास सुविधाएँ हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनके पास सुविधाएँ नहीं हैं वो अपने जीवन को इस सुचारू रूप से चला सकें ताकि आगे बढ़ने में उन्हें कोई बाधा ना आए। तो इस बात को, क्योंकि इस सारी योजनाओं का आधार क्या है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमें हर आँख से आंसू को पोंछना है। तो अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार जो है, ये उसी मुहिम को, उसी प्रिंसिपल को मानते हुए एक एक व्यक्ति के दुख को ख़त्म करने के लिए, एक एक व्यक्ति के आँख से आंसू को पोंछने के लिए सोशल सिक्योरिटी का एक नेट लेकर आई है, जिसमें शिक्षा का भी ध्यान रखा है, जिसमें उनके बिजली पानी का भी ध्यान रखा है, जिसमें बच्चों के पढ़ने के लिए उन्हें बाधा ना हो, अभी इंटरनेट का समय है तो कंप्यूटर या टैबलेट की व्यवस्था भी रखी है, और चिरंजीवी योजना इतनी बढ़िया राजस्थान की सरकार ने, ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसी सुविधा नहीं है अगर आप देखें, और 25 लाख की जो कवरेज दे रहे हैं उसको बढ़ाकर अब दुगुना 50 लाख किया जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि चिरंजीवी योजना और अंग्रेजी भाषा में स्कूली शिक्षा देने की, ये दो ऐसी योजनाएँ हैं जो भारतीय इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में, और एक अधिवक्ता होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि कानून के से ये भारत के राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हों, और शायद ये योजनाएं हमारे केंद्र की जो भी सरकार है उसको भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इतने बड़े स्तर की योजनाएं। और देखिए, अगला सवाल यहाँ पर लेना चाहूँगी मैं। देखिए, बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी तमाम ऐसे नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में जो 7 गारंटियों का वायदा यहाँ पर कांग्रेस ने किया है, और मैं पीएम मोदी का भी यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी, उन्होंने भी ये बात की है कि ये सिर्फ खोखली गारंटियाँ होती है, इनमें कोई ऐसा वजन नहीं होता कि जनता इसमें किसी चीज़ की, यहाँ पर जनता की मदद हो सके। क्या वाकई में कांग्रेस की गारंटियाँ खोखली नज़र आती है? जैसे मैंने बताया अभी शुरुआत में कि हमने 95% वायदों को पूरा किया, और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जैसे एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही सूझता है, तो जो लोग अपने वायदे को खुद पूरा नहीं कर पाए, जो सिर्फ कहने वाले ही 15 लाख और हमारे किसान भाइयों की आय दोगुनी, और हर वर्ष जो है युवाओं को और सबको 2 करोड़ का रोजगार हर वर्ष, तो वैसे तो अभी 10 वर्षों में 20 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाना चाहिए था, तो अब कितना मिला वो आपको पता है, और देश की जनता जानती है, राजस्थान की जनता भी जानती है, और काला धन वापस आने की बात जो है, और इतने बड़े वायदे किए गए डीमोनेटाइजेशन में, लेकिन क्या निकला? खोखलापन निकला। तो इसलिए
ये कुछ उसी तरह से है कि जो अपने कथनी को करनी में तब्दील नहीं कर पाए उनको हर किसी की बात जो है खोखली लगती है। तो पहले अपनी बात पूरी कर लें और फिर हम पे आक्षेप लगाएं। हम तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमने अपने वायदे जो राजस्थान में किए हमारी गहलोत सरकार ने 95 से 98% तक हमने वायदों को पूरा किया है, और इस बार जो सरकार बन रही है वो 100% और उससे बढ़कर भी वायदों को पूरा करेगी, ऐसा मेरा बिल्कुल भरोसा। और ये मैं आपको ऐसे दिल्ली में बैठ के नहीं कह रहा है, हम लोग और आपकी टीम भी रही पूरे राजस्थान में घूमकर हमने इस बात को देखा है युवाओं में, महिलाओं में। अच्छा, आपको मैं एक बताऊं कि बच्चियों को मोबाइल फ़ोन भी दिए गए, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मोबाइल फ़ोन का फ़ायदा क्या है, तो तमाम बातें उन्होंने बताया कि सर पढ़ने में बड़ी अच्छी सुविधा हो गई, इंटरनेट मिल गया वो, लेकिन उनको अब एक सुरक्षा का भाव महसूस हो रहा है। अब आप इसको बताइए कि जब वहाँ के लोग स्वयं कह रहे हैं तो हम लोगों की माने या दिल्ली में बैठे उन लोगों की सुने जिन्होंने अपने वायदे खुद पूरे नहीं किए पिछले 10 साल के अंदर। बिल्कुल, देखिए निशांत मंडल जी, यहाँ पर अभी मैं बात करूँ तो कुछ ही दिन पहले यहाँ पर राजस्थान में होकर आए हैं, और जब घोषणा पत्र जिस दौरान जारी हो रहा था उस वक्त भी वो वहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ पर अगला सवाल मैं निशांत जी से लेना चाहूँगी कि निशांत जी, GIG वर्कर एक्ट और एडवोकेट एक्ट के बारे में कांग्रेस ने यहाँ पर बात की है, तो मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को कुछ इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप दें। नहीं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये तो दिल के थोड़ा करीब भी है क्योंकि मैं खुद भी एक एडवोकेट हूँ। देखिए, देश भर में जो है हमारे वकील भाइयों के साथ अनेक रोज जो है सच की लड़ाई, न्याय की लड़ाई कोर्ट में लड़ते हैं, और कभी कभी इसका खामियाजा उन्हें कोर्ट के बाहर, क्योंकि हमें ऐसी कोई सुरक्षा नहीं दी जाती, तो कई बार जो है हमें कई तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ता। राजस्थान की सरकार ने इसमें एक मानदंड स्थापित किया, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को पास कर दिया हमारे वकील भाइयों को सुरक्षा देने के इरादे से, और अभी वो बिल लटका हुआ है, भाई विधानसभा ने पास कर दिया ऊपर लटक गया। गिग वर्कर्स एक्ट, जैसे मैंने कहा कि हर एक आंख से आंसू पोंछने का, तो गिग वर्कर्स कौन है ये मैं आपके दर्शकों के लिए बताऊं। गिग वर्कर्स वो हैं जो एक ट्रेडिशनल जो है मालिक कर्मचारी के रिश्ते में ना बंधकर जो है, जैसे हमारे उबर के जो ड्राइवर हैं, जो जोमेटो के, जो ऐसे प्लेटफॉर्म बेस्ड जो सर्विसेज हैं उनमें जो स्वैच्छिक रूप से जुड़ते हैं उन्हें, तो ऐसे लोगों को कोई सुविधा नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई एक्सीडेंट कवरेज नहीं, इनकी शिकायतों के निष्पादन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं, पूरे देश में जो है ऐसे किसी राज्य में हुआ नहीं, और गहलोत साहब की सरकार ने इस एक्ट को बनाया। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में ये अपनी प्रकार का एक बड़ा अनूठा कानून है, और मैं बार बार कानून सबका प्रयोग, क्यों इन्होंने एक अधिकार इन लोगों को दिया जिन्हें आज तक कोई सुनता नहीं है, तो ये दोनों बड़े अनूठे कानून हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि राजस्थान की सरकार के कार्यकाल में जो है वहाँ अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता भवन भी बनाए गए हैं, तो ऐसी सुविधा जो है बहुत कम राज्यों में, शायद मेरी जानकारी में नहीं है। तो राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन दो कानून और ऐसे और भी, अभी मैं आपको इस घोषणा पत्र में एक और कानून की बात बताता हूँ, सुशासन को इंश्योर करने के लिए सरकार ने कहा है जब हमारी सरकार बनेगी तब हम जवाबदेही तथा स्वतः सेवा प्रदायगी कानून, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटो सर्विस डिलीवरी एक्ट लेकर आएंगे। देश का एक एक व्यक्ति, राजस्थान का एक एक व्यक्ति जब अपना वोट देता है, एक सरकार चुनता है, तो वो केवल एक सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि वो अपनी किस्मत के निर्धारण का एक हक अपने चुने हुए प्रतिनिधि को दे रहा है। और हमारे देश में बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां सर्विस डिलीवरी को राइट के रूप में इंश्योर किया जा रहा है, सिटीजन्स चार्टर है और कई व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसको एक पूर्ण रूपेण कानून बनाकर अधिकार देने के लिए तो ऐसे गहलोत साहब ने किया है, और ये मैं समझता हूं कि बहुत ही प्रशंसनीय है, और आने वाली हर सरकार के लिए ये एक पर एक नए मानदंड जो है हमारी राजस्थान की सरकार ने बनाए, तो इससे तो लोगों में बड़ी प्रसन्नता है। आप अगर राजस्थान की सड़कों पर जाएं और लोगों से पूछें तो उनको गिग वर्कर्स जो एक्ट बना उसको लेकर बड़ी प्रसन्नता, उन्हें अब महसूस होता है कि उनके लिए भी, उन जैसे लोगों के लिए जिनके लिए कोई कल तक सोच नहीं रहा था, उनके लिए भी शीर्ष स्तर पर गहलोत सरकार सोच रही है। ये बड़ा सकारात्मक लोगों के बीच रिसीव किया गया।
तो देखिए यहाँ पर निशांत मंडल जी का कहना है कि जो कांग्रेस की राजस्थान की जो जनता है इस एक्ट से कहीं ना कहीं उनको बड़ा फायदा यहाँ पर मिलता नजर आ सकता है और काफी खुश भी है यहाँ पर। तो अगला सवाल यहाँ पर मैं निशांत जी से लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी कि जैसे ही चुनाव नजदीक आए तो यहाँ चारों तरफ इस वक्त ईडी का जिक्र सुनने को मिल रहा है। आपने देखा भी होगा कि कल यहाँ पर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को टारगेट यहाँ पर किया गया, क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है ईडी यहाँ पर हर केस को लेकर पुराने से पुराने घोटाले को लेकर यहाँ कभी किसी न किसी पार्टी पर हमला करती नजर आती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आप देख लीजिए, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले, जैसे ही छत्तीसगढ़ चुनाव था उसके एक दिन पहले यहाँ पर भूपेश बघेल के यहाँ ईडी का समन जारी हुआ था, और इसी बीच यहाँ पर महादेव बैटिंग ऐप को लेकर कुछ घोटाले का करोड़ों रुपये का घोटाला यहाँ पर सामने आया था। इसी पर सवाल लूंगी मैं यहाँ पर निशांत जी से। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया निशांत जी कि जब भी कोई चुनाव होता है तो ईडी का जिक्र बहुत ज़्यादा यहाँ पर होने लगता है। एक वक्त ऐसा था कि ईडी मुझे ऐसा लगता है कभी कभार सुनने को मिलती थी, लेकिन जैसे आप देखिए जब गुजरात का चुनाव था तब कोई ऐसे ईडी का जिक्र नहीं हुआ इतना ज़्यादा, लेकिन इस वक्त पांच राज्यों के चुनाव में अगर मैं बात करूं राजस्थान छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, तो वहीं क्यों ईडी पहुँच रही है जहाँ कांग्रेस की सरकार है? आपका क्या कहना है इस पर, क्या मानते हैं आप? नहीं, ये बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। पुराने समय में जब कभी युद्ध हुआ करता था तो पक्ष और विपक्ष की तरफ से बिगुल बजाए जाते थे, शंख बजाया जाता था। अभी हमारी केंद्र की सरकार ने ऐसा किया कि जहाँ भी सरकार है तो वहाँ ईडी को भेज दो। और मैं दूसरे दलों पर अभी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि एक संजीदा मामला है। आपने नेशनल हेराल्ड केस का जिक्र किया है, अभी कल रात को जो एक्शन हुआ वो ठीक है। हमें देखिए, एक बात तो मैं बड़ी साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं घोटाले हुए हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी राग और द्वेष की उसमें बात नहीं है। लेकिन अगर घोटाले नहीं हुए हैं और घोटाले होने का दिखावा करके आप हमारी छवि को धूमिल करके हमें और तरीकों से बदनाम करने की कोई कोशिश करेगा तो एक एक कार्यकर्ता हमारी पार्टी का इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और जनता भी देख रही है कि पिछले कुछ समय से जब भी चुनाव आते हैं तो कैसे विपक्ष के तमाम नेता और तमाम दलों को टारगेट किया जाता है। तेलंगाना की मैं बात करती हूं, क्योंकि 30 नवंबर को तेलंगाना का भी चुनाव है। तो अगला सवाल मैं यहां पर लेना चाहूंगी निशांत जी से। निशांत जी, तेलंगाना में केसीआर के किले को इस बार कांग्रेस यहाँ पर ढा पाएगी या नहीं, आपको शक है कोई? हम तो ये मानते हैं कि जो भ्रष्टाचार का किला, जो झूठ का किला, जो अधूरे वादों का किला वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बनाया है, वो किला अब ताश के पत्तों के महल की तरह ढहने वाला है। 30 तारीख को तेलंगाना की जनता अपने किस्मत का फैसला बहुत ही सूझबूझ के साथ करने वाली है, और मैं आपको बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो हमारी सरकार दोबारा आ रही है, छत्तीसगढ़ में तो हम पूरा कार्यकाल रहे, मध्य प्रदेश में शुरुआत तो हमने की, क्या हुआ वो आपको पता है, तो इसलिए मैंने दोबारा शब्द का प्रयोग किया कि जनता ने दोबारा अपना मत, अपना भरोसा हमारी पार्टी में जताया है, और इसमें किसी को कोई दो राय न रहे, तेलंगाना राजस्थान में भी हम एक नई सरकार अपनी पार्टी की बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तेलंगाना के बारे में भी यहाँ बताते नजर आए निशांत जी कि इस बार तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में तो यहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनती नजर आएगी कांग्रेस की। अब यहाँ मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो देखिए मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को यहाँ एक चरण में चुनाव था, और मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान जो हिंसा की तस्वीरें यहाँ पर सामने आई थी उसमें कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो बीजेपी का जिक्र यहाँ किया गया था। एक मैं निशांत जी को भी बताना चाहूंगी कि शिवपुरी में एक कब्रिस्तान के अंदर 6 ईवीएम मशीन पाई गई थी वहां पर निशांत जी, और उसके बाद वो ईवीएम मशीन अभी तक जांच के उस पर चल रही है, क्योंकि वो ईवीएम मशीन यहां पर ऐसी कोई खबर नहीं आई कि वो खराब थी, लेकिन ईवीएम मशीन का इस तरीके से पाना और यहां पर पूरा पूरा जो आरोप है वो भाजपा के ऊपर जा रहा है, सीधे तौर पर यहां भाजपा का नाम आ रहा है कि वो ईवीएम मशीन वहां पर जानबूझकर रखी गई थी। अभी तक ये वजह सामने नहीं आई है कि वो ईवीएम मशीन खराब थी या फिर यूज करने के बाद उनको वहां रखा गया है। तो मध्य प्रदेश में इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही है, कैसे आप उनको देखते हैं? बड़ा
साफ है कि बौखलाहट में जब आपको ये पता होता है कि आप बड़ी बुरी तरह चुनाव हारने वाले हैं, जनता ने अपना भरोसा आपको तो दिया नहीं था, मध्य प्रदेश के अंदर आपने कैसे सरकार बनाई ये जनता से छिपा भी नहीं है। आप ये इनक्रेन प्रकारेण सत्ता में काबिज होकर रहना चाहते हैं, आप रहो लेकिन जनता के लिए सोचो। आप तो सोचते नहीं, आप तो चंद लोगों के लिए सोचते हैं, और ऐसा मैं नहीं, ऐसा पूरे देश के लोग अब उनमें एक भावना आ गई है। आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसकी भी जांच होगी और सच्चाई जनता के सामने आएगी। ये कुछ और नहीं है बल्कि बौखलाहट में कुछ ऐसे कृत्य हो रहे हैं जो बड़े अप्रिय हैं, असंवैधानिक हैं, और समय के साथ जो गुनाहगार लोग हैं कानून अपना रास्ता लेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखा, जैसे आपने यहाँ पर निशान जी ने जिस तरीके से बताया कि मध्य प्रदेश चुनाव में जो कब्रिस्तान में ईवीएम पाई गई ये कुछ नहीं है, सिर्फ बौखलाहट है। तो यहाँ पर पांच राज्यों के चुनाव को लेकर इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो भाजपा सरकार बौखलाहट में ही नजर आ रही है। बौखलाहट की वजह से ही यहाँ पर जांच एजेंसियों का भी सहारा लिया जा रहा है और बौखलाहट की वजह से ही यहाँ पर ईवीएम का मुद्दा बार बार यहाँ पर उठाया जा रहा है। एक और सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी मैं निशान जी से। निशान जी, जैसे कि आपने देखा कि कल नेशनल हेराल्ड का जो मुद्दा एकदम अचानक से उठा, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान यहां पर राहुल गांधी जी को उन्होंने यहां मूर्खों का सरदार कहा, और उसके बाद जब राहुल गांधी जी ने यहां पर मैच को लेकर पनौती शब्द का अगर यूज कर भी लिया तो उसके बाद, एक पूरा सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, उसके बाद तुरंत बाद नेशनल हेराल्ड का यहाँ पर मुद्दा उठा दिया गया, तो क्या यहाँ पर आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर आपको ये शोभा देता है कि आप कैसे शब्दों का यूज कर रहे हैं? मैं यहाँ पर पीएम मोदी की बात करना चाहूंगी। और अगर यहाँ पर राहुल गांधी ने ऐसा कुछ बोला, और देखिए इनडायरेक्टली यहाँ पर बोला था, डायरेक्टली भी नहीं कहा था, तभी यहाँ पर नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठा दिया, तो ये जो मुद्दे हैं ये दूसरी तरफ क्यों नहीं उठते हैं, विपक्षी की तरफ ही क्यों उठते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बड़ी साफ कहना चाहता हूँ, अच्छा है कि आपने इस प्रश्न को उठाया। राजनीति में भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए, और हमारा किसी भी दल के किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत लड़ाई या ऐसे द्वेष नहीं होता। हमारे विचारधाराएं, काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, हम सब देश के लिए काम करना चाहते हैं, तो भाषा की मर्यादा और एक गरिमापूर्ण माहौल में जो देश चलना चाहिए, देश की राजनीति होनी चाहिए, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थिति आज नहीं रही। इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं ये आप लोग जानते हैं, देश की जनता भी। किसकी सरकार आप देख रहे हैं इस बार, पांच राज्य में कांग्रेस की सरकार है? नहीं, बिल्कुल मैं देख नहीं रहा हूँ। मैं आपको बड़े भरोसे से, और जो मैंने देश के कुछ एक इलाकों में जाकर व्यक्तिगत तौर पर देखा है, अब आप ये भी समझिए कि हर चीज़ का एक वक्त आता है। पिछले कई वर्षों से देश की मूल भावना के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो बहुत सकारात्मक नहीं है, और हर व्यक्ति के मन में एक पीड़ा है, लेकिन यहाँ बस सुनने की प्रक्रिया है, सुनाने की प्रक्रिया है, लेकिन किसी समस्या के समाधान की प्रक्रिया नहीं है। आप अपनी बात कह रहे हैं, जनता के मन की बात सुन नहीं रहे हैं, तो मैं आपको बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इन पांचों राज्यों में हमारी सरकार आ रही है, और इसमें किसी को किसी प्रकार का दो राय या दो मत रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि राजस्थान के साथ साथ बाकी के चार राज्यों की सरकार के बारे में यहाँ निशांत मंडल जी ने एक भविष्यवाणी आप समझ लीजिए, उनका कहना है कि पांचों राज्यों में इस बार कांग्रेस की सरकार आनी तय है। तो यहाँ पर यह देखना होगा कि 3 दिसंबर की तारीख क्या कांग्रेस के लिए यहाँ पर जश्न मनाने वाली होगी, और किस पार्टी के सर पर यहाँ